गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैन, मैं विपिन सर और जीविका यूनिवर्सिटी क्लासेस में आज आपका फिर से एक बार स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, कल तक के वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, कैटालिसिस, है ना। कैटालिसिस में पढ़ाया था, एंजाइम कैटालिसिस पढ़ाया था, और एंजाइम कैटालिसिस पढ़ाते समय उसमें एक शब्द आया था कि ये लक्षणों के अंतर्गत आया था कि ये जल में कोलाइडी विलयन बनाते हैं और ये जल में कोलाइडी विलयन नहीं बनाते। ये साधारण उत्प्रेरक कोलाइडी विलयन नहीं बनाते और एंजाइम उत्प्रेरक जो है वो जल में कोलाइडी विलयन बनाते हैं। मैंने आपको समझाया था और मेरे ख्याल से आपकी समझ में भी आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, अगर हो तो आप वीडियो को दो तीन बार देख सकते हैं, बड़े ध्यान से देखें और आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, तो जो कोलाइडी अवस्था था, कोलाइडी विलयन क्या होता है, कोलाइडी अवस्था क्या होती है, उसके बारे में आज अध्ययन करना है, ठीक है ना। उसके बारे में अध्ययन करना है कि कोलाइडी अवस्था होती क्या है। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री का, ठीक है ना। चैप्टर का ये आपका जो चैप्टर है, चैप्टर 5 है और उसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री का ये थर्ड पार्ट है। पहला पार्ट था एडसॉर्प्शन, दूसरा पार्ट था कैटालिसिस और तीसरा पार्ट अब आया है कोलाइडल स्टेट, कोलाइडी अवस्था। कोलाइडल स्टेट को इंग्लिश में या हिंदी में कोलाइडी अवस्था। तो आइए जान लेते हैं कि कोलाइडी अवस्था होती क्या है, ठीक है ना। कोलाइडी अवस्था होती क्या है, एक आध एग्जांपल पहले देता हूं तो बाद में ये डेफिनेशन बताऊंगा। जैसे कभी देखा है कोलाइडी विलयन, नहीं देखा तो मैं बताता हूं, आप सबने देखा है कोलाइडी विलयन, बस हम उसके बारे में जानते नहीं है, ठीक है ना। एक मोटा सा एग्जांपल है कि हमारा जो ब्लड होता है वो भी एक कोलाइडी विलयन होता है, ठीक है ना। ब्लड जो होता है वो कोलाइडी विलयन होता है क्योंकि उसमें विभिन्न कार्बनिक और अकार्बनिक प्रोटीन, विटामिन, हार्मोन्स, एंजाइम, सब चीजें पदार्थ उसमें घुले होते हैं, एक कोलाइडी विलयन बनाता है, ठीक है ना। तालाब का जो गंदा पानी होगा वो भी एक कोलाइडी विलयन की तरह ही कार्य करता है, ठीक है। समुद्र का जो में साल्ट वगैरह होते हैं वो भी कोलाइडी विलयन की तरह कार्य करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कोलाइडी विलयन होते क्या है, तो देखिए पहले तो जान लेते हैं कोलाइडी अवस्था, उसके बाद में पढ़ेंगे कोलाइडी विलयन। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि वे पदार्थ जो सरलता से जल में नहीं घुलते, ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो सरलता से जल में नहीं घुलते हैं। जैसे आपका ऑयल हो गया, है ना, ऑयल आपका जल में आसानी से नहीं घुलता है। और इसके अलावा मोम हो जाएगा, देसी घी हो जाएगा, ये सब पदार्थ ऐसे हैं जो आसानी से जल में नहीं घुलते। ये आप बात आते हैं केमिस्ट्री में, तो बहुत से ऐसे पदार्थ हैं, जैसे गोंद है आपका, स्टार्च है, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो आसानी से जल में नहीं घुलते और घुलने पर कोलाइडी विलयन नहीं बनाते, यानी घुलने पर कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं। एक सेकेंड, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक था, कि वे पदार्थ जो सरलता से जल में नहीं घुलते और घुलने पर समांग विलयन नहीं बनाते। मैंने पहले ही बात तो ये कह रहा है कि वे पदार्थ जो सरलता से जल में नहीं घुलते, घुलते ही नहीं है, लेकिन अगर हम प्रयास करें, जबरदस्ती करें, थोड़ा सा प्रेशर करें या टेम्परेचर को बढ़ाएं तो जल में घुलते हैं, लेकिन क्या कह रहा है कि और घुलने पर समांग विलयन नहीं बनाते तथा चर्म पत्र द्वारा विसरित नहीं होते। विसरण माने होता है छन जाना, चर्म पत्र द्वारा नहीं चलते। एक मोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आपने देखा है आपके सबके घर में छन्नी होती है ना, छन्नी, हालांकि चर्म पत्र नहीं होता है, लेकिन आपको एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं, बता रहा हूं। तो जो छन्नी होती है उसमें अगर आप शरबत घोल छानेंगे तो बड़ी आसानी से छन जाएगा, है ना। नमक का विलयन बना के छानोगे तो भी आसानी से छन जाएगा, चाय हमारी छन जाती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, जो विसरित नहीं होते, जो नहीं, जैसे आप शहद छानो छन्नी से तो छनेगा तो, लेकिन आसानी से नहीं छनेगा, है ना। इसी तरह अगर चाशनी छाने तो वो भी आसानी से नहीं छनेगी, गोंद को छाने तो भी आसानी से नहीं छनेगा। अब जैसे ये हमारा गोंद होता है, ये हमारा गोंद है,
ये गम जो होता है ये कोलाइडी विलयन होता है, ठीक है ना। इसको अगर हम छानेंगे, चूंकि ये गाढ़ा होता है, ठीक है ना, इसलिए जो है इसे आसानी से नहीं छनेगा। तो जो पत्र जो क्या कह रहा है, वे पदार्थ जो जल में नहीं घुलते और घुलने पर समांग विलयन नहीं बनाते तथा चर्म पत्र द्वारा, चर्म पत्र यानी फिल्टर पेपर इंग्लिश में कहेंगे, द्वारा विसरित नहीं होते अर्थात नहीं छनते, कोलाइडी विलयन, तलिल विलयन या सॉल कहलाते। इनको तीन नामों से जान सकते हैं, कोलाइडी विलयन या तलिल विलयन या सॉल कहलाते हैं। और विलयन की यह जो अवस्था है वो कोलाइडी अवस्था कहलाती है। विलयन की यह अवस्था जो है वो कोलाइडी अवस्था कहलाती है। ये पदार्थ कोलाइडी विलयन जो होते हैं ये गोंद के समान, गम के समान होते हैं, इसलिए इनका नाम कोलाइडी विलयन पड़ा। आइए आगे देखते हैं, नोट नंबर टू। पहला नंबर समझ में आ गया होगा कोलाइडी अवस्था क्या होती है। नोट नंबर दो, यानी कोलाइडी विज्ञान की खोज किसने की थी, कोलाइडी विज्ञान के बारे में किसने बताया था सर्वप्रथम, तो उसके बारे में देखते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका आता है कि कोलाइडी विज्ञान की स्थापना का श्रेय थॉमस ग्राहम को जाता है। कोलाइडी विज्ञान की स्थापना का श्रेय मिस्टर थॉमस ग्राहम को जाता है। इन्होंने कोलाइडी विज्ञान की स्थापना की थी। कैसे, इन्होंने विभिन्न पदार्थों का अध्ययन किया, कितना, विभिन्न पदार्थों का अध्ययन किया और उन सभी पदार्थों को दो भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, दो भागों में बांटा, एक क्रिस्टलाब और एक कोलाइड, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं कि क्रिस्टलाब क्या होता है और कोलाइड क्या होता है। आइए तो चलिए आगे देखते हैं। अभी मैंने बताया कि थॉमस ग्राहम ने विभिन्न पदार्थों का अध्ययन किया और उन्हें दो भागों में बांटा। नंबर एक था क्रिस्टलाब, नंबर वन पर आपका है क्रिस्टलाब और नंबर टू पर आएगा कोलाइड। तो क्रिस्टलाब क्या होते हैं, बहुत सिंपल सी, बहुत ही सिंपल सी परिभाषा बनाई है मैंने कि वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन चर्म पत्र द्वारा आसानी से छन जाता है। वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन चर्म पत्र द्वारा आसानी से छन जाता है क्रिस्टलाब कहलाते हैं। याद हो गई होगी डेफिनेशन, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। एग्जांपल है यूरिया का जलीय विलयन, नमक का जलीय विलयन, चीनी का जलीय विलयन। चीनी का तो आप सब लोगों ने देखा होगा, शरबत बनता है घर में। आजकल गर्मियां चल रही है ना, नींबू की शिकंजी बनाई जाती है, वो भी शरबत यानी चीनी और पानी से बनती है। तो क्लियर हुए। तो अगर चीनी और पानी के विलयन को अगर हम जल में घोलते हैं और उसे फिल्टर पेपर से छानते हैं तो बड़ी आसानी से छन जाता है ना। तो बड़ी आसानी से जो यानी जिन पदार्थों के विलयन आसानी से छन जाते हैं वो कहलाते हैं क्रिस्टलाब। क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलाब। आ गया होगा समझ में। ये सारे एग्जांपल आप नोट कर लीजिए, इन सबको नोट करते चले, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन कंटिन्यू आती रहे। ओके। आइए आगे देखते हैं। नंबर दो पर आता है कोलाइड। थॉमस ग्राहम के अकॉर्डिंग दो प्रकार के पदार्थ थे, एक क्रिस्टलाब दूसरा था कोलाइड। तो कोलाइड क्या होते हैं देखते हैं कि वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन चर्म पत्र द्वारा आसानी से नहीं छनता कोलाइड कहलाते हैं। दोनों की डेफिनेशन में एकमात्र नहीं शब्द का अंतर है, बाद बाकी कोई अंतर नहीं है। तो बड़ी आसानी से ये दोनों शब्द तैयार हो सकते हैं और कभी कभार एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं, है ना। तो क्या होते हैं कोलाइड की वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन चर्म पत्र द्वारा आसानी से नहीं छनता कोलाइड कहलाते हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे गोंद दिखाया था। ये गोंद जो होता है ये आपका कोलाइडी विलयन होता है। इसको अगर हम फिल्टर पेपर से छानेंगे तो छनेगा नहीं, शहद नहीं छनेगा आपका। जिलेटिन आपकी प्रोटीन होती है, स्टार्च आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। एल्बुमिन को आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, बड़ी आसानी से मिल जाता है। एल्बुमिन जो होता है ये अंडे के अंदर भरा लिक्विड पदार्थ, जो प्रोटीन होता है अंडे के अंदर, जो प्रोटीन होती है वो एल्बुमिन कहलाती है। आई में इन सभी पदार्थों के जो जलीय विलयन है वो चर्म पत्र द्वारा आसानी से नहीं छनते। तो जो चर्म पत्र द्वारा आसानी से नहीं छनते उन्हें हम कहते हैं कोलाइडी, कोलाइड। क्या कहते हैं, कोलाइड। ठीक, ये था ग्राहम का वर्गीकरण। लेकिन क्या है ना भैया, आप सभी जानते हैं कि हर एक चीज पर अपवाद होते हैं ना। तो कुछ पदार्थ ऐसे थे जो क्रिस्टलाब के भी गुण दिखाते थे और कोलाइड के भी गुण दिखाते थे। कुछ पदार्थ ऐसे थे जो क्रिस्टलाब और कोलाइड दोनों के गुण दिखाते थे। अतः ऐसी समस्या को खत्म करने के लिए
कोलाइडी विलयन का, कोलाइडी पदार्थों का पुनः वर्गीकरण किया गया और कोलाइड पदार्थ के स्थान पर कोलाइडी अवस्था कहना ज्यादा उचित समझा गया। आयवाचन में तो उसके अनुसार क्या वर्णन हुआ, किस प्रकार वर्गीकरण किया गया, वो आइए देखते हैं। तो आपने थॉमस ग्राहम का वर्गीकरण पढ़ लिया, पढ़ने जा रहे हैं आप कि कणों के व्यास के आधार पर पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया। ऐसा क्यों किया गया, मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो क्रिस्टलाब के भी गुण दिखाते हैं और कोलाइड के भी गुण दिखाते हैं, उन पर वहां पर उनका वर्गीकरण करना कठिन हो गया, इसलिए इनका दोबारा से वर्गीकरण किया गया कुछ इस तरह से। नंबर एक पर आया वास्तविक विलय, यानी व्यास के आधार पर वर्गीकरण किया गया कि विलय और विलाय के कण कैसे कैसे होते हैं, तो उसके आधार पर नंबर एक पर आया वास्तविक विलयन। ये एक समांग विलयन होते हैं, समांग विलयन आप विलयन चैप्टर में पढ़ चुके, विलयन क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण विलयन कहलाता है। समांग से मतलब होता है जिसके विलेय और विलाय के कणों का आकार सेम हो, बराबर दिखाई दे, अर्थात जैसे शरबत बनता है चीनी और पानी के मिलने से, फिर ना आपको चीनी दिखाई पड़ती है और ना ही पानी दिखाई पड़ता है, तो ऐसे विलयन को हम समांग विलयन कहते हैं। कह रहा है ये एक समांग विलयन होते हैं जिसमें विलेय और विलायक के कणों का व्यास 10^-60 सेंटीमीटर की कोटि का होता है, जिसमें विलेय और विलायक के कणों का व्यास 10^-8 यानी विलेय के कणों का आकार भी इतना है और विलायक के कणों का आकार भी इतना ही है, बराबर है, तो वास्तविक विलयन कहलाते हैं। तो यानी कणों का आकार देखना है, दोनों का इक्वल है, बराबर है, तो ऐसे विलयन वास्तविक विलयन कहलाते हैं। जैसे चीनी का विलयन यानी शरबत हो गया, नमक का विलयन, यूरिया आदि का जलीय विलयन हमारा वास्तविक विलयन कहलाता है या वास्तविक विलयन बनाते हैं। अब आइए आगे देखते हैं नंबर टू। चलिए भैया नंबर दो देखते हैं, कोलाइडी विलयन क्या होते हैं। कोलाइडी विलयन नंबर एक था वास्तविक विलयन जिसमें आपने पढ़ा था विलेय और विलाय के कणों का आकार सेम होता है और वो समांग मिश्रण था, यह एक द्विसमांगी मिश्रण होते हैं, अर्थात इसमें विलेय और विलाय के कण भिन्न भिन्न आकार के होते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है द्विसमांगी मिश्रण होते हैं, जिसमें विलाय के कणों का व्यास 10^-8 सेंटीमीटर की कोटि का होता है और विलेय के कणों का व्यास 10^-5 से 10^-7 सेंटीमीटर कोटि का होता है, कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। यहां पर अगर देखेंगे तो विलाय के कणों का आकार छोटा है यानी कम है और विलेय के कणों का आकार बड़ा है, माइनस में मान जितना कम होता है वो उतना ही बड़ा होता है और माइनस में मान जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता चला जाता है। आयवाचन में तो यह एक विस्मांगी मिश्रण होते हैं जिसमें विलेय के कणों का आकार 10^-, जिसमें विलाय के कणों का आकार 10^-8 सेंटीमीटर कोटि का होता है और विलेय के कणों का आकार 10^-5 से 10^-7 सेंटीमीटर की कोटि का होता है, ऐसे पदार्थों का जो मिश्रण होता है वो कहलाता है हमारा कोलाइडी विलयन। जैसे कि हमारा एग्जांपल में गोंद है, स्टार्च है, एल्बुमिन है आदि का अगर हम जलीय विलयन बनाते हैं तो ये हमारे कोलाइडी विलयन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होंगे, कोलाइडी विलयन। और आइए आगे आप देखते हैं नंबर थर्ड कौन सी अवस्था है उसके बारे में। आइए देखते हैं नंबर थर्ड है आपका निलंबन, यह भी एक विस्मांगी मिश्रण होता है, कोलाइडी विलयन विस्मांगी था और यह भी एक विस्मांगी मिश्रण होता है जिसमें विलायक के कणों का व्यास 10^-8 सेंटीमीटर की कोटि का होता है और विलेय के कणों का व्यास 10^-3 से 10^-5 सेंटीमीटर की कोटि का होता है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो विलेय के कणों का आकार और भी बड़ा हो जाता है कोलाइडी विलयन की अपेक्षा, तो ऐसे पदार्थों का मिश्रण जो है वो निलंबन कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, निलंबन कहलाते हैं, जैसे पानी और बालू का मिश्रण। अब आप देखते हैं कि पानी और बालू को अगर हम मिलाते हैं तो आपके बालू अलग दिखाई देगी, पानी हमारा अलग दिखाई देगा, है ना। इसी प्रकार अगर हम जल और मिट्टी को मिला दें, जल और मिट्टी को मिला दें, हिला दें खूब करके, तो जल में घुल जाएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा कि मिट्टी नीचे बैठ जाती है और जल हमारा ऊपर साफ सा दिखाई देता है। तो ऐसे पदार्थों के मिश्रण जिसमें विलेय के कणों का आकार बहुत बड़ा और विलाय के कणों का आकार बहुत छोटा, यानी दोनों के बीच बहुत अंतर होता है, ऐसे पदार्थों का जो मिश्रण होता है वो कहलाता है हमारा निलंबन। क्या कहलाएगा, निलंबन। आई बात में नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना।
देखिए कोलाइडी विलयन से संबंधित दो शब्द और आते हैं, एक होता है परिक्षेपण माध्यम और एक होता है परिक्षिप्त प्रावस्था, है ना। क्या होते हैं इनके बारे में जान लेते हैं, तब आगे चल करके आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होते हैं, हमारा एग्जाम्पल आपने लिया शरबत। शरबत किन किन चीजों से मिलता है, चीनी प्लस पानी, चीनी और पानी को मिलाने पर हमारा शरबत बनता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो पानी हमारा द्रव अवस्था में है और चीनी हमारी ठोस अवस्था में है, है ना। अगर हम चीनी को पानी में घोलते हैं, चीनी को जब हम पानी में घोलते हैं तो चीनी हमारी घुल जाती है और वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है ना। तो घुला कौन, चीनी। किसमें घुला, पानी में, है ना। घुला कौन, चीनी। किसमें घुला, पानी में। तो जो पदार्थ घुल जाता है, जो पदार्थ मिल जाता है उसे, या वितरित हो जाता है कहें, दूसरे शब्दों कह सकते हैं कि जो पदार्थ वितरित हो जाता है या घुल जाता है, ऐसे पदार्थों को या ऐसे पदार्थों की अवस्था को परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि वह पदार्थ परिक्षिप्त प्रावस्था के बारे में बता रहा हूं कि वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ में घुल जाता है या कहते वितरित हो जाता है, वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ में घुल जाता है या वितरित हो जाता है परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाता है। अब बात करते हैं तो यहां पर चीनी हमारी क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था। चीनी हमारी क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था। ये इसको हम देख सकते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था, ठीक है ना। और जो पानी है परिक्षेपण माध्यम की, वह पदार्थ जिसमें कोई दूसरा पदार्थ घुल जाता है, यानी हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि वह पदार्थ जिसमें कोई दूसरा पदार्थ घुल जाता है या कह दे वितरित हो जाता है परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। तो यहाँ पर चीनी जो है वितरित हो गई किसमें, जल में, तो जल हमारा जो है वो परिक्षेपण माध्यम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिक्षेपण माध्यम। इसके बाद में आगे कल के टॉपिक, आज का टॉपिक यहीं से समाप्त करता हूं। आगे का टॉपिक आपको कल पढ़ाया जाएगा, कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण, ठीक है ना। अभी आप चल रहे थे पदार्थों का वर्गीकरण, अब आप पढ़ेंगे कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण। और भैया हम लोग मेहनत करते हैं, गर्मी पसीना बहाते हैं, तो एक लाइक या शेयर तो बनता ही है ना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भैया घर में रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना की महामारी बहुत ज्यादा फैली हुई है ना, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन भैया पढ़ते रहें, वीडियो को पढ़ते रहें, वीडियो देखते रहें, अन्यथा आपकी तैयारी नहीं होगी क्योंकि संभावना है नहीं जुलाई से खुलने की, ओके। और कल के वीडियो में मैंने थर्ड चैप्टर की विद्युत रासायनिक श्रेणी को याद करने का तरीका भेजा है, यानी पार्ट फाइव में। आज आप पार्ट सिक्स पढ़ रहे हैं, पार्ट फाइव में मैंने भेजा है तरीका, उसे आप देख ले और थर्ड चैप्टर से विद्युत रासायनिक श्रेणी को तैयार कर ले, ओके। थैंक यू, जय हिंद।